खूब कहा है, सफलता अंत नहीं होती और असफलता घातक नहीं होती। सफलता मिले या असफलता, जीवन में आगे बढ़ते रहने की हिम्मत ही मायने रखती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं। आज की स्टोरी से हम देखेंगे कि लक्ष्य या सफलता को पाने के बाद की कहानी क्या होनी चाहिए। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। एक मार्शल आर्टिस्ट नौजवान को सालों की मेहनत के बाद ब्लैक बेल्ट देने के लिए चयनित किया गया। यह बेल्ट एक समारोह में मास्टर सेंसेई द्वारा दी जानी थी। समारोह वाले दिन नवयुवक मास्टर सेंसेई के समक्ष ब्लैक बेल्ट प्राप्त करने पहुंचा। बेल्ट देने से पहले तुम्हें एक और परीक्षा देनी होगी, सेंसेई बोले। मैं तैयार हूं, नवयुवक बोला। उसे लगा कि शायद उसे किसी से मुकाबला करना होगा, लेकिन सेंसेई के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने पूछा, तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? मेरी यात्रा का अंत, नवयुवक बोला, और मेरे कठोर परिश्रम का इनाम। सेंसेई इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए और बोले, तुम अभी ब्लैक बेल्ट पाने के काबिल नहीं बने हो, एक साल बाद आना। एक साल बाद नवयुवक एक बार फिर ब्लैक बेल्ट लेने के लिए पहुंचा। सेंसेई ने दोबारा वही प्रश्न किया, ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? यह इस कला में सबसे बड़ी उपलब्धि पाने का प्रतीक है, नवयुवक बोला। यह इस कला में सबसे बड़ी उपलब्धि पाने का प्रतीक है, नवयुवक बोला। सेंसेई संतुष्ट नहीं हुए और कुछ देर इंतजार किया कि वो कुछ और भी बोले, पर युवक शांत ही रहा। तुम अभी भी बेल्ट पाने के हकदार नहीं बन पाए हो, जाओ अगले साल फिर आना। और ऐसा कहते हुए सेंसेई ने युवक को वापस भेज दिया। एक साल बाद फिर वह युवक सेंसेई के सामने आया। सेंसेई ने पुनः वही प्रश्न किया, ब्लैक बेल्ट हासिल करने का असली मतलब क्या है? ब्लैक बेल्ट आरंभ है एक कभी न खत्म होने वाली यात्रा का, जिसमें अनुशासन है, कठोर परिश्रम है और हमेशा सर्वोत्तम मापदंड छूने की लालसा है, नवयुवक ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उत्तर दिया। सेंसेई उत्तर सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, बिल्कुल सही, अब तुम ब्लैक बेल्ट पाने के लायक बने हो, जो इस सम्मान को ग्रहण करो और अपने कार्य में लग जाओ। तो दोस्तों, कई बार किसी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के बाद हम थोड़े निश्चिंत हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि शिखर पर पहुंचना शिखर पर बने रहने से आसान होता है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें चाहिए कि हम अपनी उपलब्धि के मुताबिक और भी कड़ी मेहनत करें और अपने सम्मान की प्रतिष्ठा बनाए रखें। इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूँगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, और नई नई बेहतरीन मोटिवेशन स्टोरी का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।